हाई एवरी वन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस स्वागत है आप सबका प्रीमैक्स में आज हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड पाँच क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चन होंगे ये हम करंट अफेयर्स और स्टार्टिंग दोनों से लेते हैं कॉन्टेंट दोनों का रहता है ताकि जो एग्ज़ाम है उसको हम अच्छे से मिमिक कर पाएँ जो आपका प्रिलम्स का एग्ज़ाम है ऑन ट्वेंटी सेवन्थ जून उसके लिए हम एक कंसिस्टेंट प्रोग्रेसिव तैयारी कराने की कोशिश करते हैं थ्रू आर इनिशिएटिव प्रीमिक्स सो वी आर गोइंग टू डिस्कस फाइव क्वेश्चन एंड वंस यू आर डन विद दीज क्वेश्चन प्लीज टू मैंशन योर स्कोर आउट ऑफ फाइव इन द कॉमेंट्स बिलो और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कॉमेंट्स में बता सकते हैं तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन है एन इकोलॉजिकल सक्सेशन विच स्टार्टड लाइफ ऑन न्यूली एक्सपोज कोस्टल सैंड इज टर्म्ड एज लिथोसिया हाइड्रोसेमोस और हेलोसेयर, ठीक है सो ये चार ऑप्शंस हैं आपको बताना है कि जब इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट होती है फ्रॉम न्यू न्यूली एक्सपोज कोस्टल सैंड तो उसको क्या कहा जाता है हाइड्रोसेयर, हाइड्रोसेरोमोसेर और हेलोसेयर। सो द करेक्ट आंसर इज सामोसे नाउ वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज कि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो क्या है कि ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ अ स्पीशीज़ इन अ न्यू एरिया इन अ बैरिन एरिया जहाँ पे आ, कोई भी स्पीशीज़ पहले एग्जिस्ट नहीं करती वहाँ पे जब स्पीशीज़ आती हैं जैसे कि आ, जब आइस एज थी उसके बाद ग्लेशियर्स थे स्टार्टेड रिट्रीटिंग रिट्रीटिंग है ना तो आपको एक बैरन एक अनफर्टाइल रीजन ऑफ लैंड मिला वहाँ पे कोई भी स्पीशीज़ नहीं थी कोई भी बायोडायवर्सिटी नहीं थी और अगर अब हम देखें तो वी हैव लॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी तो वो कैसे आई वो इकोलॉजिकल सक्सेशन से आई ठीक है सो चेंजेस दैट अकर इन एन इकोलॉजिकल सिस्टम ओवर टाइम इज़ नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट कैसे होती है पाइनियर स्पीशीज़ आती हैं जैसे मॉसिस और लाइक सबसे पहले वो आती हैं एक uh, इनडेटेड बैरिन एरिया पे एंड फाइनली वी गेट क्लाइमेट स्पीशीज है न तो जहाँ पे ये स्टार्ट होती है जिस एरिया में द एरिया विच द ऑर्डर ऑफ कम्युनिटीज अंडर गो अ स्पेसिफिक चेंज इज कॉल्ड अर ठीक है अब ये जो सेयर है ये डिफरेंट तरह का रहता है ठीक है अगर हम बात करें लिथो की लिथो पत्थर आपने सुना होगा लिथोसफेयर भी होता है ना तो लिथो लिथोसेर होता है जब ये बेयर रॉक पे होती है हाइड्रो मतलब एक्वेटिक एरियाज़ में नाम से ही पता चल रहा है सैमो मतलब सैंडी एरिया में ठीक है सैंडी रीजन में हेलोसेर क्या होता है हेलोसेर इज वेन इट टेक्स प्लेस इन अ सिलाइन सॉइल और वाटर ठीक है सिलाइन सॉइल और वाटर जब ये होती है सेलाइन वाटर या में, तब हम इसको हेलोसेयर कहते हैं सिमिलरली सिनाइल एक आ, आ, भी टाइप है जो कि है सक्सेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन डेड मैटर ठीक है उसी तरह से एक और हमारे पास होता है ज़ीरो सेयर ज़ीरो इज़ फॉर ड्राई एरियाज़ तो ड्राई एरियाज़ में जब होता है तो हम उसे ज़ीरो सैर कहते हैं राइट तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं जिनको हम सेयर कहते हैं सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेयर्स सिमिलरली ना एक और बहुत बच्चे मिक मिस मिस कर देते हैं दैट इज़ ईको स्फेयर ईको स्फेयर क्या है ईको होता है डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन इन एन एरा ठीक है ये एरा में जब डेवलपमेंट होती है वेजिटेशन की तो उसको हम कहते हैं अपने पास एकोस्फेयर तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए ओके okay, अब अगर हम सैमो की बात करें तो एक इकोलॉजिकल एक सक्सेशन जो न्यूली एक्सपोज्ड कोस्टल सैंड पे शुरू हुई है राइट right? अब दइडिया इज़ जो सैंड ड्यून सिस्टम्स होते हैं ना जहाँ सैंड ड्यूम्स होते हैं दे आर द मोस्ट कॉमन सैमो ठीक है अब बेसिकली वॉट डिफाइन्स द ग्रोथ ऑफ सैंड ड्यून्स के कैसे वो ग्रो करेंगे इज़ दी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दी सैंड एंड दी वेजिटेशन अब सैमोसफेयर में क्या होता है जो ऑर्गेनिज्म नियरेस्ट टू ओशन होते हैं ना वो पाइनियर स्पीशीज़ होती हैं मोस्टली दे आर सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज़ है species, ना क्योंकि जो ओशन के पास मिलेंगी वो भी सॉल्ट टॉलरेंट होंगी और जो सैंडी एरियाज़ में मिलेंगी वो भी सॉल्ट टॉलरेंट होंगी अब इसमें एग्जांपल्स है एलगे लिटोरल एल्गे ठीक है और जो लिटोरियल एरियाज़ में आपको मिलते हैं और ग्लास वर्ड्स ते आर टाइप ऑफ मॉसेस ठीक है वर्ड्स जो होते हैं ना ये मॉसेस के टाइप हैं अब उसके बाद जो नेचुरल सक्सेशन है ना वो प्रोग्रेस करती है इनलैंड ठीक है एज द लैंड बिकम्स मोर कॉम्पैक्ट एंड हैज़ बेटर सॉइल द ड्रेनेज इट स्लोज डाउन द proportion ऑफ सीशल फ्रैगमेंट्स इट डिमनिश पी एच ड्रॉप्स एंड द टोटल अमाउंट ऑफ ह्यूमस ऑगमेंट्स ठीक है तो ये नेचुरल प्रोग्रेशन है जो सामोसेयर में होती है ये आपको पता होना चाहिए राइट उसके बाद आ, पहले जो पेड़ आते हैं वो बर्च विलो और रॉबिन रॉबिनस में बेरीज लगती हैं ये जो ये वाले जो पेड़ है ना ये पाइनियर ट्रीज़ कह सकते हो कि okay? पाइनियर स्पीशीज़ में जो ट्रीज है उसके बाद फिर ओक और आश आते हैं ठीक है एंड फाइनली वी हैव क्लाइमेक्स कम्युनिटी ठीक है जहाँ पे आ, जो सक्सेशन वो फर्दर नहीं होती बिकॉज इट हैज़ रीच्ड इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग्स पर्टिकुलरली द क्लाइमेट राइट सो अगर एक फ्लॉलेस कोस्टल सैमोसेअर मॉडल है तो जो पी एच है ना वो अल्कलाइन और न्यूट्रल रहता है और उसके बाद वो नीचे जाता है ठीक है एट द सीवर्ड बॉटर ऑफ देंड ड्यून ठीक है वहाँ पे वो अल्कलाइन न्यूट्रल रहेगा उसके उसके ऊपर बेसिकली मेचोर पॉट्सऑल डेवलप होते हैं जिनका पी एच थ्री पॉइंट फाइव टू फाइव पॉइंट फोर है जो कि गिर गया है ठीक है उसके बाद फॉलोड बाई ट्रैकिंग इनलैंड अक्रॉस द ड्यून्स विद द पी एच ऑफ फ़ाइव और फोर सो द पॉइंट इज़ कि जो पहले पी एच होता है वो एल्केलाइन होता है एंड देने ड्रॉप्स ठीक है सो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फीचर तो अगर हम uh, देखें पहले आपके पास ग्लास वर्ड्स वगैरह रहते हैं या लिटोरल आल्की जो सॉल्ट टॉलरेंट है उसके बाद ट्रीज आएंगी बर्च, विलो रोविन उसके बाद जो बड़े बड़े पेड़ आएंगे ओक एंड एशेज ठीक है एंड वंस जो स्पीशीज़ हैं प्लांट स्पीशीज़ हैं दे हैव रीच द इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग्स ठीक है, है तब दे विल नॉट इवॉल्व एनी फर्दर तो वो क्लाइमेट कम्युनिटी होती है और इसके साथ साथ क्या हो रहा है जो सॉइल का पीएच है वो भी रेगुलरली ड्रॉप हो रहा है सो दैट इज़ वॉट यू नीड टू नो इन सैमो राइट ओके दे नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटें करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं सो पहला है सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड ऑर्गैनिक कैमिकल्स दे हैव पोटेंशियल फॉर लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट

क्योंकि ये जो होते हैं वाटर सोलेबल नहीं होती है फैट सोलेबल होते हैं और ये दूर दूर तक जा सकते हैं ठीक है उसके बाद ये अगर इको में एंटर कर जाए तो ये बायो मैग्नीफाई करते हैं और बायो uh, इक्यूमिलेट करते हैं जैसे जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है ना तो वहाँ पर जब चीज़ आती है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर मतलब पहली बार जब ट्रॉफिक लेवल पर जो चीज़ आती है उसको हम बायो इक्यूमिलेट करते हैं और जब वो सब्सिक्वेंटली बढ़ते रहते हैं ट्रॉफिक लेवल्स तो हम उस उस प्रोसेस को बायो मैग्नीफिकेशन कहते हैं ठीक है सो दे आर दे रेजिस्ट फोटोलिटिक बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिग्रेडेशन ठीक है फोटोलिटिक होती है लाइट फोटो इज लाइट है ना लाइट से रिलेटेड लिटिक मतलब तोड़ना तो ये लाइट से नहीं टूटते ये बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन नहीं होती इनकी केमिकल डिग्रेडेशन नहीं होती ठीक है तभी इन्हें परसिस्टेंट कहा जाता है कि दे दर्सिस्ट राइट right? और दे आर केपेबल ऑफ लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट बायो अकेमुलेन के एक ऑर्गेनिज्म में ही अक्यूमुलेट हो, होते हैं एंड देन उस uh, जब ऑर्गेनिज्म uh, को कोई और ऑर्गेनिज्म उससे बड़े ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म खाता है तो उसका जो लेवल है और ज़्यादा बढ़ जाता है उस प्रोसेस को हम बायो मैग्नीफिकेशन कहते हैं ठीक है अब इसमें पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स पॉलीविनाइल क्लोराइड और फार्मास्यूटिकल्स आते हैं उसके बाद इसके लिए और भी वर्ड्स यूज़ होते हैं पी परसिस्टेंट बायो एक्यूमिलेटिव एंड टॉक्सिक या टॉम्स। टॉम्स क्या है टॉक्सिक ऑर्गेनिक माइक्रोपेल्यूट ये भी टर्म्स यूज़ होते हैं उसके अलावा लो वाटर सोलिबिलिटी लाइक दे आर मोस्टली फैट सोलबल क्योंकि अगर वाटर सोलिबल होंगे ना तो uh, निकल जाएंगे बाहर uh, है ना uh, मतलब दे विल बी लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी जैसे अगर हम अपनी बात करें ह्यूमंस की तो यूरिन में निकल जाएंगे क्योंकि वाटर सोलबल है लेकिन ये नहीं होते ये फैट सोलिबल होते तब ये बायोक्यूमुलेट कर पाते हैं ठीक है सो दे हैव हाई लिपिड लिपिड्स आर फैट्स ठीक है इस वजह से ये बायोक्यूमुलेट कर पाते हैं एनिमल टिश्यूज़ में देन दे आर सेमी वॉलीटाइल ठीक है सो उससे क्या होता है या तो ये वेपर uh, फेस में रहते हैं या फिर ये देर एक्चुअली यू नो एड्जॉर्ब ऑन द एटमोस्फेरिक पार्टिकल्स ठीक है एटमोस्फेयरिक पार्टिकल्स के ऊपर रहते हैं जिससे कि इनका लॉन्ग रेज ट्रांसपोर्ट ईजिली हो जाता है ठीक so है सो दैट इज द रीजन उसके बाद जिनका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होता है दे आर मोर टॉक्सिक एंड दे आर मोर पसिस्टेंट जनरली तो ये भी कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए अन अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हेलोजिनेटेड मतलब इनमें मोस्टली हेलोजेंस होते हैं और उसमें भी सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है वो क्लोरिन है ओके देन मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर आउटकम्स ऑफ यूट्रोफिकेशन एल्गल ब्लूम डिप्लीशन ऑफ कोरल रीव फॉर्मेशन ऑफ स्वम्प्स सो आपके पास ऑप्शंस हैं ठीक है ये आपके ऑप्शंस हैं अगेन आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हैं इतने टफ नहीं हैं राइट right? अगर आपको बेसिक नॉलेज है सो दिस शुड बी अ केक वॉक फॉर यू सो द करेक्ट आंसर इज अगेन वन टू एंड थ्री देखो जो यूट्रोफिकेशन है ना इट इज़ डिराइड फ्रॉम द वर्ड यू ट्रॉफ्स देखो ट्रॉफ जो वर्ड है ना ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड है जैसे अगर हम बात करें ऑटो ट्रॉफ्स की है ना ऑटो ट्रॉफ मतलब ऑटो मतलब खुद ट्रॉफ मतलब खुद, खुद की न्यूट्रिशन खुद बना रहे हैं जैसे प्लांट्स है ना वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो जहाँ पर भी ट्रॉफ़ वर्ड आएगा ना मतलब न्यूट्रिशन बींग नरिश्ड और इन है ना तो यूट्रोफिकेशन में क्या होता है जो वाटर बॉडी होती है ना वहाँ पे हम न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं अब यहाँ पे कौन से न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं आर्टिफिशियल ठीक है मोस्टली आर्टिफिशियल जैसे कि फर्टिलाइजर्स uh, में एनपीके फर्टिलाइजर्स है ना अगर हम प्लांट्स में ज़्यादा दे देते हैं क्रॉप्स में तो वो पानी वाटर uh, बॉडी में चले जाते हैं तो नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स uh, थ्रू फर्टिलाइजर्स और सीवेज टू अ फ्रेश वाटर सिस्टम नो वट हैपन्स इज़ कि आपने एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दे दिया तो जो यू नो एल्गल है एल्गे है उनको न्यूट्रिशन मिल गया वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं ठीक है सो इट लीड्स टू दी ब्लूम ऑफ फाइटो जिनको हम एल्गे भी कहते हैं ठीक है ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं इनको तो इनका बहुत ज़्यादा ब्लूम हो जाता है ठीक है अब ब्लूम होना तो बुरी बात नहीं है बुरी बात क्या है कि जब इनका बहुत ज़्यादा ब्लूम हो जाता है ये पूरे सरफेस ऑफ वाटर बॉडी को कवर कर लेते हैं सो व्हेन दे डाई ठीक है दे डिग्रेड ठीक है तो जो इनकी माइक्रोबियल डिग्रेडेशन होती है ना वो बहुत सारी ऑक्सीजन ले लेती है वाटर बॉडी की ठीक है क्योंकि इनको डिग्रेड तो होना ही है तो ऑक्सीजन जो होती है ना वाटर बॉडी की वो कम हो जाती है उस वजह से जो फिशेस अंडरनीथ होती है वो मर जाती हैं ठीक है सो दैट इज वाई यूट्रोफिकेशन इज नॉट कंसिडर टू बी अ गुड थिंग राइट हालांकि हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं एक वाटर बॉडी बट दैट इज नॉट अ गुड थिंग सो ओवर ग्रोथ इट काजेज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन इन द वॉटर लीडिंग टू सिवियर रिडक्शन इन फिश एंड अदर एनिमल पॉपुलेशन सो बेसिकली जो इको सिस्टम है वही पूरा आपका जेपटाइज हो जाता है सो दैट इज वॉट यूट्रोफिकेशन इज ठीक है अब यूट्रोफिकेशन से लाइक आइस इट एलगल ब्लूम्स होंगे स्वम्पी एरिया हो जाता है ना जैसे पहले वाटर बॉडी थी क्लियर वाटर एंड ऑल दैट अब स्वम्पी हो जाता है सो so ये जो सारे इफेक्ट्स हैं ये हमारे यूट्रिफिकेशन के साथ होते हैं एट द सेम टाइम जो कोरल रीव्स हैं उनको भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा क्योंकि कोरल रीव्स में भी जो एलगे होते हैं उन्हें सनलाइट चाहिए होती है तो सनलाइट नहीं मिल पाती है ठीक है सो दैट ऑल्सो इज डेट्रीमेंटल राइट

ठीक है मैन मेड रेजर्वायर है और यहाँ पे बीस हज़ार बर्थस दे आर ऑब्जर्व एनुअली ठीक है अपर लेक इज़ अ लाइफ लाइन ऑफ द सिटी बिकॉज जो फोर्टी परसेंट ऑफ पोर्टेबल वाटर है जो पीने का पानी है वो आपको यही देता है उसके बाद यहाँ पे वाइट स्टॉक्स ब्लैक नेक स्टॉक्स बहुत सारी बायोडावर्सिटी दिखती है इवन सेरसक्रेनस दिखते हैं सेरस्क्रेन आर वेरी इंपॉर्टेंट राइट इनके बारे में ज़रूर पढ़ लेना कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है सो लार्जेस्ट बर्ड ऑफ इंडिया क्रेन इज़ नोन फॉर इट्स साइज मजेस्टिक फ्लाइट एंड लाइफ टाइम पेयरिंग राइट गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन इफेक्टिव सोर्स ऑफ ब्लू कार्बन सिंक इन प्रिवेंटिंग ओशन एसिडिफिकेशन सीग्रास मार्शेस एंड मैंग्स तो हमारे पास अगेन ऑप्शंस हैं आप पॉज करिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लू कार्बन सिंक है क्या है ना हम किसकी बात कर रहे हैं तो वंस यू नो दैट अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन सो द करेक्ट आंसर इज वन टू एंड थ्री देखो जो लाइक यू ऑल नो दैट जो भी मेरीन ऑर्गेनिज़म्स हैं इस्पेशली जो मेरीन प्लाट्स हैं इन दाम ऑफ मैंग्रोवस और फाइटो प्लैंगटिन है ना और एल्गे जो भी कह लो दे कैरी आउट फोटो सिंथिस अब ये फोटो सिंथिस करते हैं तो ये कार्बन डाईऑक्साइड एटमोसफेयर से ऑब्जॉर्ब करते हैं है ना तो अगर ये कार्बन डाईआक्साइड एटमोसफेयर से ऑब्जॉर्ब करेंगे तो वो वाटर बॉडी में नहीं जाएगी उससे क्या होगा उससे जो एसिडिफिकेशन है ओशन की वो नहीं होगी क्योंकि जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ओशन्स में जा रही है उतना ज़्यादा उस ओशन का जो पी है वो कम होता है उस प्रोसेस को हम ओशन एसिडिफिकेशन कहते हैं इज़ डेट्रीमेंट्री फॉर ऑल दी ऑर्गेनिजम्स फॉर ऑल दी बायोडाइवर्सिटी सो कार्बन डाइऑक्साइड नीड्स टू बी ऑब्जॉर्ब बाय दीज सिंग्स द प्लांट्स द मैंग्रोव द फाइटो प्लान द मार्शल्स ऑल ऑफ दैट है न दी ग्रास राइट तो उनका ऑब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी है और जो कार्बन ये मेरीन एरियाज में या एक्वेटिक एरियाज में जो कार्बन ऑब्जॉर्ब होती है बाया फोटोसिंथेसिस उसको कहा जाता है ब्लू कार्बन सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट सिंपल है ठीक है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है जब हम कार्बन को कैप्चर करते हैं और लॉन्ग टर्म स्टोरेज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तो हमने एटमोस्फेयर से कैप्चर कर लिया और उसको स्टोर कर लिया तो उस प्रोसेस को हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं इवन जो हमारी यू नो सॉइल्स में है ना जो हमारे टेरेस्ट्रियल एरियाज़ में प्लांट्स हैं वो भी यही करते हैं ठीक है लेकिन जो कोस्टल सिक्वेस्ट्रेशन है ना वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू टेरिस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ठीक है बट जो कोस्टल सिक्वेस्ट्रेशन है क्योंकि जब प्लांट्स मर जाते हैं तो वो सी uh, जो सी की uh, नीचे जगह है वहाँ पे जाके स्टोर हो जाते हैं तो वहाँ पे वो काफ़ी टाइम तक रहते हैं तो इसीलिए कहा जाता है कि जो uh, यू नो कोस्टल इकोसिस्टम सिक्वेस्ट्रेशन है वो चाहे कम है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए होती है कंपेयर टू टेरिस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन राइट सो लाइक वी ऑल नो दैट दी अर्थ सर्विस इज कवर्ड बाई टू थर्ड्स ऑफ वाटर तो कोस्टल सिक्वेस्ट्रेशन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोस्टल इको सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कार्बन सिंक लाइक आई थे नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करेगा सो इट कैन ट्रैप कार्बन डाइऑक्साइड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम उसके अलावा ना पोल्यूटेंट्स को भी सिमुलेट कर लेता है इट प्रिवेंट्स यूट्रिफिकेशन ऑल्सो है ना देन इट प्रोवाइड्स जॉब्स एंड इनकम लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है और टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलता है इससे राइट सो दीज वर द फाइव क्वेश्चंस इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो राइट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग